आप रोज अखबारों में पढ़ते हो जो काम हम करना चाहते हैं हर काम में मोदी जी टांग अड़ाते हैं, हर काम में मोदी जी टांग अड़ाते हैं। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमें स्कूल बनाने से रोकते हैं। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, हमें अस्पताल बनाने से रोकते हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, हमको रोकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? बताओ, हम क्या गलत काम कर रहे थे? सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, 3 साल तक मोदी जी फाइल लेके बैठ गए, मोदी सरकार ने फाइल क्लियर नहीं करी 3 साल तक। पिछले साल फिर आपके मनीष सिसोदिया जी और सतेंद्र जैन, इनको 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल करनी पड़ी, भूखे रहना पड़ा, तब जाके मोदी सरकार ने उनकी फाइल क्लियर की है सीसीटीवी कैमरों की। जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने हम जैसे मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते हम लोग। हमारी जान भी चली जाए आप लोगों के लिए तो कम है। अगर आप लोगों के लिए हमें भूखे रहना पड़ेगा और भूखे रहना पड़ेगा और रहेंगे, 10 दिन तो क्या, 100 दिन भूखे रहना पड़ेगा तब भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे भूखे रह रहे के कब तक फाइलें क्लियर कराएंगे मोदी सरकार से? तो एक तो आप लोगों से विनती है, 4 साल में आप लोग देख रहे हो मोदी जी ने आपके हर काम को रोका है, आपके हर काम को रोका है। इस बार मोदी सरकार को वोट मत दिया, दोबारा मोदी जी को वोट दे दिया, फिर अगले 5 साल काम रोकेंगे दिल्ली के अंदर। एक काम भले का नहीं करा उन्होंने दिल्ली वालों के लिए, एक भी काम भले का नहीं करा। दोबारा वोट दे दिया, दोबारा वो रोकेंगे। लेकिन दिल्ली की एक अजीब परिस्थिति है जो समझनी पड़ेगी। आपकी दिल्ली सरकार जिसको आप चुन के भेजते हो, आपने तो मेरे को चुन के भेजा। हम दिल्ली में जो भी काम करना चाहते हैं हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, आपकी पानी की पाइपलाइन डालना चाहते हैं, सीवर की पाइपलाइन डालना चाहते हैं, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। हरियाणा के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, हरियाणा की सरकार को फुल पावर है सारे काम करने की। हरियाणा की सरकार स्कूल बनाना चाहे उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पंजाब की सरकार अस्पताल बनाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आंध्र प्रदेश की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आपकी दिल्ली की सरकार को जो काम करे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। हमने इनसे पूछा, ऐसा क्यों जी, दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा है, हम आपसे परमिशन क्यों ले? कहते हैं दिल्ली आधा राज्य है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। तो हमने कहा कर दो पूरा राज्य, क्यों नहीं कर देते दिल्ली को पूरा राज्य? पूरे देश को पूरा राज्य कर दिया, सारे देश में जितने राज्य हैं सारे पूरे हो गए। उत्तराखंड पूरा हो गया, यूपी पूरा हो गया, बिहार पूरा हो गया, वेस्ट बंगाल पूरा हो गया, नागालैंड, मिजोरम, गोवा छोटा सा राज्य वो भी पूरा राज्य बन गया। दिल्ली आधा राज्य है, पूरे देश में अकेला दिल्ली बचा है जो आधा राज्य है। ये तो सरासर नाइंसाफी है दिल्ली वालों के। बस बताओ दिल्ली वालों में क्या कमी है, आप लोगों में क्या कमी है, दिल्ली को पूरा राज्य क्यों नहीं बनाते? हम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं देश में। आप लोग जो इनकम टैक्स देते हो वो दिल्ली सरकार को नहीं देते, केंद्र सरकार को देते हो आप लोग इनकम टैक्स। पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री की जो घोड़ा गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो चलते हैं वो सारे आपके पैसे से चलते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के जो सारे बंगले, एसी और ये सारे जितने दफ्तर चलते हैं आपके पैसे से चलते हैं। आप 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं केंद्र सरकार को, 1.5 लाख करोड़ रुपए, और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली वालों को 325 करोड़ रुपए देती है। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की जनसंख्या 15 लाख, दिल्ली वाले 2 करोड़, गोवा को केंद्र सरकार 3000 करोड़ देती है, 3000 करोड़, दिल्ली वालों को देती है 325 करोड़, जबकि हम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। गुजरात को केंद्र सरकार देती है 26000 करोड़, उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार देती है 1.5 लाख करोड़, दिल्ली वालों को देती है 325 करोड़। हमने कहा जी हमें पता है बाकी देश गरीब है, आप दिल्ली वालों से इनकम टैक्स लेके बाकी देश पे खर्च करते हो, लेकिन दिल्ली वालों से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेते हो, कम से कम आधा तो दिल्ली पे खर्च कर दो।
1.5 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ तो दिल्ली पे खर्च कर दो। आज जब केंद्र सरकार हमें ढेला नहीं देती, 325 करोड़ देती है बस, तब हमने दिल्ली में इतना विकास कर दिया, इतनी सड़कें, इतनी नालियां, इतना पानी, इतना सारा काम कर लिया, स्कूल, अस्पताल। सोचो अगर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए और दे दे आपको, भाई साहब यहाँ पे तो 10 सिंगापुर बन जाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर। हर दिल्ली वाले को फ्री में घर बना के दे देंगे अगर हमारा पैसा वापस कर दे तो केंद्र सरकार। 70 साल से हमारे पैसे लूट रही है केंद्र सरकार, 70 साल से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेते हैं हमसे, बदले में ढेला नहीं देते हमको। हमने पूछा क्यों, बोले जी आधा राज्य दिल्ली, आधा राज्य तो लूटोगे हमको, आधा राज्य तो लूटोगे क्या हमको? अंग्रेज भी तो यही करते थे, अंग्रेज भारत को लूट के, भारत का पैसा लूट के लंदन ले जाया करते थे। अब केंद्र सरकार आपका सारा पैसा लूट के केंद्र में ले जाती है, ये तो बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारा पैसा हमारे पे खर्च होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? भाई साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, एक आदमी एक वोट, कहा था नहीं कहा था? चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों का एक वोट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो एक वोट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो एक वोट, चाहे तमिलनाडु का हो, असम का हो, नागालैंड का हो, गोवा का हो, फलाने ढंग के एक वोट। इन्होंने बदल के कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट, दिल्ली वालों का आधा वोट, दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली राज्य आधा राज्य। हमारे में क्या कमी है भाई साहब, दिल्ली वालों में क्या कमी है? हम देशभक्त नहीं है, हम पूरा टैक्स नहीं देते, सारा काम करते हैं हम, दिल्ली वाले 24 घंटे लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं देश के लिए, फिर भी हम आधा राज्य। ये तो बेइज्जती है सरासर भाई साहब, ये तो अपमान है, ये तो अन्याय है, शोषण है दिल्ली का। आपने 4 साल पहले मेरे को वोट दिया था, आपने कहा केजरीवाल जी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, सीसीटीवी कैमरे, डोरस्टेप, ये आपका काम। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कराया 4 साल में, जितनी जिम्मेदारी आपने दी थी मैंने करी है, चाहे इनसे कितना ही लड़ना पड़ा हो। लेकिन भाई साहब आपके कई सारे मसले हैं जो तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक दिल्ली पूरा राज्य नहीं बन जाएगा। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। आज दिल्ली में चारों तरफ गुंडागर्दी मची पड़ी है, कानून व्यवस्था सारी गड़बड़ हुई पड़ी है, हुई है नहीं है? चोरी, डकैती, गली गली में नशा बिक रहा है, गली गली में नकली दारू बिकती है, महिलाएं असुरक्षित हैं, लड़कियों के साथ 6-6 महीने की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? अपनी लड़की घर से बाहर निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, गली मोहल्ले में निकलती है, लड़के छेड़ते हैं, और पुलिस में जाओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पुलिस सुनती है आपकी? क्यों नहीं सुनती पुलिस? क्यों पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, विधायक बेचारा कुछ कर नहीं सकता, विधायक कहता है पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, मेरी सुनती नहीं है पुलिस। आप अपने मुख्यमंत्री के पास आते हो, आपने तो चुन के मुख्यमंत्री को और विधायक को भेजा था, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, पुलिस मेरी सुनती नहीं है, तो पुलिस किसके अंडर में आती है जी? प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के अंडर में आती है पुलिस। पुलिस मोदी जी के, प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, मोदी जी से तो कोई मिल नहीं सकता। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो खुदा ना खास्ता हमारे घर में कुछ हो जाए और पुलिस हमारी रिपोर्ट ना लिखे, पुलिस अपराधियों को ना पकड़े, तो आप किसके पास जाओगे? प्रधानमंत्री के पास जाओगे? प्रधानमंत्री तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है, उनसे तो कोई मिल ही नहीं सकता, तो हमारी दिल्ली के लोग किसके पास जाएं? मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था 3 साल पहले, उसके बाद उन्होंने मेरे को भी मिलने का टाइम नहीं दिया, एक ही बार मिले हैं मेरे पास। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री जी दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को दे दो, दिल्ली वालों के अंडर में करो, आप पाकिस्तान संभालो, पाकिस्तान तो संभलता नहीं प्रधानमंत्री जी से।